हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मौत अटल सत्य है, जो इस धरती पर आया है उसका जाना भी तय है। महामानव अटल जी 16 अगस्त की शाम को अनंत में विलीन हो गए, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 9 साल पहले ही मशहूर कवि गोपाल दास नीरज ने अटल जी के देहवासन की भविष्यवाणी कर दी थी। 2009 में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हम दोनों की मौत एक महीने के भीतर ही हो जाएगी, और दुर्भाग्यवंश यही हुआ। नीरज के निधन के ठीक 28 दिन बाद अटल जी भी हमारे बीच नहीं रहे। अटल जी और हिंदी के मशहूर गीतकार गोपाल दास नीरज दोनों अपर दर्जे के कवि, दोनों कवि हृदय और मानवीय संवेदनाओं के चितेरा थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों में काफी अपनापन था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीरज ने 9 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हम दोनों की मृत्यु एक महीने के अंतराल में हो जाएगी। ये बात 16 अगस्त को तब साबित हुई जब अटल जी करोड़ों देशवासियों को रोता बिलखता छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए। काल के कपाल पर चढ़कर लिखने और मिटाने वाले अटल जी को काल का क्रूर हाथ हमेशा के लिए छीन कर ले गया। नीरज के निधन के ठीक 28 दिनों बाद उनके जिगरी दोस्त अटल जी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये बात उस दिन की है जब पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन का निधन हो गया था। इससे नीरज जी काफी दुखी हो गए थे। फिर नीरज जी ने बातों ही बातों में बताया कि मेरी और अटल जी की कुंडली के ग्रहों की चाल लगभग समान है। दोनों की कुंडली में शनिदेव ने खास भूमिका निभाई है। शनि ने हमें रंक से राजा तक का सफर तय कराया। मैं गीतों का राजकुमार बन गया और अटल जी देश के। उन्होंने कहा कि शनिदेव ही हम दोनों के महाप्रयाण का सबब बनेंगे। नीरज ने तब भविष्यवाणी की थी कि मृत्यु से कुछ साल पूर्व हम दोनों को गंभीर बीमारियों से दो चार होना पड़ेगा। बृहस्पति की कृपा से मैं गंभीर रोगग्रस्त होते हुए भी अपने हाथ पैर से चलता रहूंगा, लेकिन अटल जी कोमा में चले जाएंगे। गोपाल दास ने ये भी भविष्यवाणी की थी कि शनि के ही प्रभाव के कारण हम दोनों की मृत्यु 30 दिन के अंतराल में होगी, और अफसोस कि ऐसा ही हुआ। बता दें कि गोपाल दास नीरज का निधन 18 जुलाई को हुआ था, और अटल भी अब वहां चले गए जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अटल जी तो चले गए, लेकिन वो अपने पीछे अनगिनत यादें छोड़ गए। जो अटल होता है वो अमर होता है, इसलिए अटल जी कल भी थे, अटल जी आज भी हैं, और अटल जी हमेशा जिंदा रहेंगे करोड़ों देशवासियों के दिलों में, हमेशा के लिए घर बनाकर। कुछ लोग कभी नहीं मरते, हमेशा अमर रहते हैं। अटल जी भी हमेशा अमर ही रहेंगे। जिस तरह से ध्रुव तारे की रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती, उसी तरह से अटल जी की यादें भी उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा घर करेंगी, कभी नहीं मिटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।